Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and by Acharya Pugh College of Science and Commerce. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केस से। 17 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और जीरो डिस्चार्ज या क्योर केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 84। कोविड डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। 23 अगस्त कर्नाटक के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा, जहां पर कॉलेजेस और स्कूल जो 9 स्टैंडर्ड के बाद थे उन्हें ओपन अप किया गया। सीएम बसवराज बोम्मई ने सभी मिनिस्टर से कहा है कि स्कूल्स और कॉलेजेस को आप रीओपनिंग डे विजिट करें, उस चलते हुए काफी सारे मिनिस्टर्स ने विजिट भी किया। बसवराज बोम्मई का ये कहना है कि मिनिस्टर जब विजिट करेंगे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, साथ साथ कैंपसेस कॉलेजेस के बच्चों को स्टूडेंट्स को और टीचर्स को एंकरेज करें और सभी प्रिकॉशनरी मेजर्स वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं उस पर एक सेफ कंडक्ट भी करें। एक और सर्वे चल रहा है जहां पर 75 पेरेंट्स अभी भी बच्चों को स्कूल भेजने के खिलाफ हैं। जी हां, एक सर्वे में बताया जा रहा है कि सीबीएसई स्कूल से या फिर स्टेट स्कूल, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को अभी भी स्कूल भेजना नहीं चाहते। बुला शहर के अंदर कॉर्पोरेशन की गर्मा गर्मी में बात बता रहे हैं आपको, जहां पर कांग्रेस के नॉमिनेशन आने के बाद कई सारे सीनियर लीडर जो कि जिनको टिकट नहीं मिला वो काफ़ी नाराजगी जताए। इसमें हम बात कर रहे हैं जनाब इकबाल अहमद शनिफरोश, जो एक्स मेयर भी रह चुके हैं और कई बार से वो कॉर्पोरेशन जीतते आए हैं। आइए देखते हैं वो किस लिए नाराज़ हैं और उनके एरिया के लोगों का क्या कहना है। इकबाल साहब, यहाँ पर लोग जमा हो चुके हैं, हुजूम जमा हो चुका है, सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस बार आप इलेक्शन ठहरना मत डिमांड कर रहे हैं, कोई पार्टी नहीं देखना चाह रहे हैं, सब लोग यहाँ पर बेदार हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं जो है हमारे लोग जो यहाँ पर जो जमा हुए हैं ये उनके अपने जज्बात है, मेरी अपनी कारकर्दगी से 40 साल से मैं जो कारकर्दगी मेरी है ये लोग वाकिफ हैं, इसलिए यहाँ पर ये जमा हुए हैं। और मैं अपने लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब्र से काम लीजिए, मेरी टिकट कट हुई तो मैं आपके जिलों से कटने हुआ हूँ। बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेस पार्टी ने जो है ना इकबाल साहब के साथ जो नाइंसाफी की है, इस महीने के लोग, इस वार्ड के लोग इकबाल साहब को इंसाफ दिलाकर जो है ना चिता कर लेते। क्या बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 18 और 19 से जनाब सैयद अहमद और जनाब गौस मत्ती मोड़ यानी गुज्जू भाई के बारे में। जी हां, दोनों ने जब नॉमिनेशन भरा उसके बाद उन्होंने दरगाह हजरत ख्वाजा मंदन नवाज़ के सुदराज की जियारत की और उसके बाद डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब सज्जद नशीन बारगाह मंदन नवाज़ से खास मुलाकात। एक और अहम बात बताएं, खुसरो जागीरदार जो कि वार्ड नंबर 20 से कांग्रेस कैंडिडेट हैं, वो भी नॉमिनेशन भरने के बाद उन्होंने मुलाकात की जनाब अली अल हुसैनी साहब जानशीन बारगाह मंदन नवाज़ से और उनकी दुआएं मिली। खुसरो जागीरदार की एक अहम रैली भी हुई जहां पर कई सारे लोगों ने उन्हें वेलकम भी किया नॉमिनेशन के बाद और कहा कि वो उनके साथ हैं। के बाद बात करते हैं आस्थाने खादरिया हलकटा शरीफ के पास, जहाँ कोविड-19 से पहले यहाँ पर काफ़ी धूमधाम से उर्स होता था, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग अब मेंटेन करना है कोविड-19 चलते हुए और साहिब खिबला ने बड़ी ही प्रिकॉशंस लिए हैं और इस बार का जो उर्स है वो बड़ी सादगी से अमल में लाया है, काफ़ी कम लोगों के साथ संदल की रस्में और बाकी रस्मों को निभाया जा रहा है। याद रखिए कोविड-19 के सारे प्रिकॉशन लेना है और दरगाह आस्थाने खादरिया ने सभी प्रिकॉशंस यहाँ पर लिए हैं और बड़ी सादगी के साथ ये उर्स मनाया जा रहा है। ये सारे उर्स के रस्में बड़ी सादगी से मनाए गए ज़ेर निगरानी हज़रत ख्वाजा सैयद अबू तुराब शाह कादिर चिश्ती यमनी, जो कि हलकटा शरीफ दरगाह के सज्जादे हैं और ये दरगाह वाड़ी में आते हैं। GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार। फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड बाय आचार्य पीयू कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। उम्मीद करते हैं आपको हमारा डेली बुलेटिन पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको मिले हर अपडेट वेरी क्विकली। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करें GoHaz Networks पे।